अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज राजा की। गए थे विजय के लिए, 17 विधायकों की जीत के बावजूद कांग्रेस की वो सरकार नहीं बनवा पाए। आरोप बीजेपी पर लगाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि आज गोवा में मनोहर पर्रिकर ने बहुमत साबित कर दिया। मौज मस्ती की वजह से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, ये आरोप लगाया है गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने। दिस हैपेंस व्हेन यू कम टू गोवा ओनली टू एंजॉय नॉट टू वर्क। गोवा विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर हमले बोले। पर्रिकर ने कहा, दिल्ली में दिग्विजय को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो अब बहाने बना रहे हैं। वहां से रेणुका चौधरी और सभी बोल रहे हैं दिग्विजय को हटा दो, दिग्विजय को निकाल दो। उनको मालूम है दिग्विजय इधर आके केवल लग्जरी एंजॉय करता है, ही डजंट नो द रियलिटी। लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी ने पैसों के दम पर सत्ता हासिल की है। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया, मणिपुर में, गोवा में सरकार चोरी की है। इससे पहले गोवा विधानसभा में आज विश्वास मत के दौरान खूब ड्रामा हुआ। कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे विश्वास मत से पहले उठकर चले गए। कांग्रेस विधायक उन्हें ढूंढने के लिए बाथरूम तक गए। तो आने वाले दिनों में भविष्य क्या कांग्रेस का होगा? आप जैसे कह रहे हैं कि आप जैसे युवा नेता, क्या और लोग में मेरी टूट होगी क्या? आज ही और लोग बाहर जाते, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मत आइए, मैं निकल रहा हूँ। मेरी नाराजगी अलग है, आप तो कांग्रेस के चुन के आए हो, आप उधर ही रुके। लेकिन ऐसा देखते कई दिनों में कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट होने की संभावना है। ये अंदेशा बताया गया विश्वजीत राणे जी की तरफ से कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में एक और बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहने वाले विश्वजीत राणे ने बाद में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। राजीव रंजन, जी मीडिया, गोवा। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्हें हार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर सुनने पड़ रहे हैं। एक के बाद एक नेता राहुल गांधी पर इशारों इशारों में वार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि राहुल रहे या नहीं रहे, सवाल ये है कि जो नेतृत्व रहा है अब तक, और जो कि दो बार तीन बार बहुत बुरी तरह से हारा है, उसमें तबादला लाने का मुझको लगता है बस ये एक पहली सोच है। अब देखना ये है कि इन सब के बाद, इस डिबेकल के बाद हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कितना आत्ममंथन